हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका अपने ही प्यारा सा चैनल विवेक मिश्रा HD चैनल पर। चलिए देख लेते हैं, एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक जस्ट आप पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी तक तो जस्ट यही मिल रहा था। बट देख लेते हैं कि व्हाट इज ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम जब पेयर जान जाते हैं, पेयर मतलब होता ही है जुड़वा, कोई भी चीज होती है कपल ऑलरेडी वो आपका पेयर हुआ। लीनियर इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन को जैसे आपका है जिसका वेरिएबल सिर्फ वन आता है, जिस इक्वेशन में वेरिएबल ओनली वन आता है वो लीनियर होता है। क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्यूबिक, आपको इक्वेशन सारे बताए गए हैं फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी मिल गए हैं दोस्तों। तो अभी तक तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में। आगे वाले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर लीनियर इक्वेशन को। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, जस्ट आप जानते ही होंगे, तो जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहती है, हुज वनली बिकम्स टू स्ट्रेट लाइन, सो इट्स कॉल्ड टू आपका क्या होता है, ग्राफिकल मेथड। बट उस स्ट्रेट लाइन को हम कितने मेथड में लिख सकते हैं, आपके कितने टाइप्स के लाइनर में लिख सकते हैं, तो उसको हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि इसका मेथड क्या होता है। फर्स्ट मेथड होता है इंटरसेकिंग। ये देखिए, ये आपका अगर ऐसे बन जाता है तो ये ऑलरेडी आपका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग। इसे हम कहते हैं इंटर सेक्टिंग, कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक हो रहे हैं, इंटरसेक्टिंग हो रहे हैं। ये कंडीशन, ये मेथड आपका इंटरसेक्टिंग होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये देखिए, एरो बन रहे, क्या बात है, फाइटिंग तो नहीं होने वाली है। अरे भैया नहीं, फाइटिंग नहीं, पढ़ने वाले हैं। इंटरसेक्टिंग इसे क्या कहते हैं, पैरालेल, इसे हम पैरालेल कहते हैं। ये आपका समांतर है, और इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे के बिंदु पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है उसको, तो ये आपका इंटरसेक्टिंग हुआ, और ये समांतर है, ये आपका पैरालेल हुआ। उसके बाद तीसरा क्या होता है, तीन कंडीशंस होते हैं, तीन कंडीशंस, ये क्या होता है, ये देखिए ऑलरेडी ये तो आपस में अभी तो पैरालेल है, बट यही इस पे एक पॉइंट और जा करके, ये देखिए इसको यहीं से ऐसे जाते, ये एक ये पहली वाली जो लाइन है, सॉरी ये जो दूसरी लाइन है, ये वाली लाइन इस पहली वाली लाइन को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप, ये आपस में इसको क्या कर रहा है, ओवरलैप है। तो फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्टिंग हुई, एक दूसरे पर काट रहा है, पैरालेल समांतर हुआ, ओवरलैप मतलब पहले वाले कंडीशन पे दूसरा हुआ कंडीशन है, पहली वाली लाइन पे ये देखिए जस्ट दूसरी वाली लाइनें हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब ये इंटरसेक्टिंग, पैरालेल, ओवरलैप में कितने कितने इक्वेशन हम जान सकते हैं, कितने इक्वेशन बनते हैं, ये देख लेते हैं। तो इसमें क्या बनते हैं, इसमें यूनिक इक्वेशन है, यूनिक यूनिक इक्वेशन, इक्वेशन को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। यूनिक इक्वेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, सिर्फ तो सिर्फ वनली वन, वनली वन इक्वेशन, इसमें सिर्फ तो सिर्फ एक इक्वेशन बनेंगे, क्या होगा, एक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, वन सॉल्यूशन आपका ऑलरेडी, वन सॉल्यूशन, सॉरी इक्वेशन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन हम कितने भी बना सकते हैं, बट उस इक्वेशन के कोई भी इक्वेशन हम बना लिए, समीकरण बना लिए, उस समीकरण के सिर्फ एक हमें क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, वनली वन सॉल्यूशन को ऐसे शॉर्टकट में भी ये लिखते हैं, पूरा ऐसे लिखते हैं, ओके। तो सिर्फ इंटरसेक्टिंग के एक सॉल्यूशन, चाहे जितने इक्वेशन हो, अलग अलग टाइप्स के इक्वेशन हो, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करना ऑलरेडी बताया ही जा चुका है, तो आप उसे, हम अभी यहाँ पे इक्वेशन देंगे, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं अपने माइंड से, क्योंकि आप अगर एक समझ गए हैं तो आपको ऑलरेडी सब कुछ आ जाएगा। और इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, पैरालेल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, पैरालेल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और ये क्या होता है आपका ऑलरेडी, इसे कहते हैं जैसे को इंसिडेंट, ये हुआ आपका को इंसिडेंट, ये सॉरी आई होगा, चलिए। तो
इसका तो सिर्फ एक इक्वेशन इंटरसेक्टिंग का अगर कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज द गैप क्या मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर लीनियर इक्वेशन दोस्तों, तो ये आप बताएंगे कि देयर आर थर्ड टाइप्स या फिर पार्ट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होता है? फर्स्ट इंटरसेक्टिंग, जिसमें सिर्फ वन सॉल्यूशन होता है इक्वेशनों का, और सेकंड पैरेलल होता है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, थर्ड आपका ओवरलैप होता है जिसे हम को इंसिडेंट भी कहते हैं, को इंसिडेंट कहते हैं। इसमें आपका क्या होता है? इनफिनिटिंग होता है, इनफिनिटिंग सॉल्यूशन आपका, इसमें अनंत सॉल्यूशन होता है। कितना होता है? अनंत सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये आपका देखिए इस पे भी पॉइंट बन रहा है, इस पे, इस पे, इस पे, अब कितने बन रहे हैं, कितने पॉइंट आपके चल दे जाएंगे, ये कोई कंफर्म नहीं है, अनगिनत है, इन्फिनिटिव है। ओके, चलिए इतना तो ऑलरेडी आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना तो आपको समझ में आ ही हो गया। अब हम चलिए इक्वेशन दे देते हैं, इसका इक्वेशन क्या देते हैं, सबका इक्वेशन देंगे जिससे आपका सिर्फ वही सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे इसमें हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, एक इक्वेशन हो गया, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। अब इस दोनों को आप इक्वेशन पहले अलजेब्रिक अकॉर्डिंग है ही, अब इसको हम किसके अनुसार लिखेंगे, आप ग्राफिकली के माध्यम से लिखेंगे, जस्ट आपका सेम यही होगा, इक्वेशन क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन मल्ली वन होगा, सॉल्यूशन आपका सिर्फ तो सिर्फ क्या होगा दोस्तों, वन होगा। उसके बाद पैरालेल का मान लेते हैं, चाहे जो इक्वेशन बना सकते हैं इन योर माइंड, लेकिन ये रहे कि सॉल्यूशन सॉल्व हो सके, उसका ग्राफ बन सके, उसको अच्छी तरह से जाना जा सके। जैसे एक मान लेते हैं एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये आपका क्या हो गया है, एक इक्वेशन बन गया। अब सेकंड वाला अगर इसी की तरह उसको भी सॉल्व करने के लिए बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस फोर वाई, अब तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ 4 है 12 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जस्ट दोगुना है, देखिए जस्ट दोगुना है, यहाँ पे 3 बार चला गया। ये आपका, ये देखिए ये आपका पैरालेल को हो गया। अब जस्ट इसे अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब थर्ड पार्ट क्या होता है, थर्ड में अनगिनत होता है, थर्ड पार्ट में आपके क्या होंगे, अनगिनत। जैसे हम एक इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका 9 हो गया है, वैसे हम मान लेते हैं 4 के कॉमन में 4x प्लस 6y इक्वल टू 8, ये आपका फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन आपका सेकंड हुआ, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, सॉरी 18 होगा। तो ये आपका देखिए डबल बार गया है, ऑलरेडी आपका यही हुआ है। ओके, तो इतना तो इक्वेशन आपका क्या हो गया है, समझ में आ ही गया होगा, इंटरसेक्टिंग है इसका इक्वेशन है कि इसमें सिर्फ वन सॉल्यूशन आएगा, सेकंड आपका पैरालेल ये है, ये इक्वेशन है इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, ओवरलैपिंग है आपकी, को इंसिडेंट इसका इक्वेशन है, इसका अनगिनत यानी कि इंसिडेंट। अब बात तो ये हो गई, चलिए हम कितने का ग्राफ बना करके, अभी बात हो गया ऐसे इक्वेशन दे दिए टीचर्स, अब कहे कि आप ग्राफिकली के माध्यम से निकालिए कौन क्या कंडीशंस बिटवीन रिलेशन करता है या नहीं, क्या करेंगे वे एक ग्राफ निकालेंगे, बिल्कुल नहीं, ग्राफ निकालने की जरूरत नहीं है। तुरंत आप अगर कह दिया जाता है कि सिर्फ ये इक्वेशन दिए गए हैं, तीन चीजों का इक्वेशन दिया गया है और आपको पहचानना होगा, मान लीजिए इतना हम हटा देते हैं, ऊपर का सारा हट जाता है, यहाँ से यहाँ आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, ओके ऑलरेडी देख रहे हैं, तो ऑलरेडी सिर्फ आपको इतना दिया गया है, इसी के बीच में आपको पकड़ना है कि ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग का है या फिर पैरालेल का है या ओवरलैप का है, ये तीनों कंडीशन, ये तीनों इक्वेशन किस कंडीशन का है, ये तीनों इक्वेशन किस कंडीशन का है, इंटरसेक्टिंग का है, पैरेलल का है कि ओवरलैप का है, तो आप कैसे जानेंगे वही चलिए हम आगे बताते हैं। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रिमूव करना चाहेंगे वही हम आपको बताने चल रहे हैं। ओके चलिए, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको हम और अच्छे से बताएंगे, ऑलरेडी तो सब बताया ही जा रहा है, और आपका एक लाइक हमारे हुनर को और भी आगे बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, देखिए जब स्टार्ट करते हैं उसमें कोई और जब एडमायर
एडमिरेबल कहते ना, एक शब्द आता है प्रशंसनीय, अगर उसकी प्रशंसा होती है, अगर उस चीज को और आगे बढ़ाया जाता है तो वो ऑलरेडी अपने आप ही क्या होती है, उसकी जो रैंकिंग होती है वो हाई लेवल पे पहुंच जाती है दोस्तों। चलिए अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कि अब चलिए ऊपर से तो हट गया, अब हम कैसे जानेंगे कौन सा ये लीनियर का कंडीशन का इक्वेशन है, कि ये है कि ये है, कैसे जानेंगे। चलिए उसके लिए आपको फार्मूला बताया गया है, उसके लिए आपको क्या बताया जाएंगे, फार्मूला देखेंगे, रिलेशन बिटवीन A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2। अरे बेटू इधर आओ, क्यों आजकल नाम रखते हैं ना बेटू। चलिए तो रिलेशन बिटवीन A1 B1 C1, उसके बाद A2 B2 C2। अब क्या कंडीशन आपका होगा, जैसे एक इक्वेशन मान लेते हैं A1 x + AX + BX + C = 0, इसी के फॉर्म में मानते हैं B1 x + C1 = 0। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, A2 x + B2 x + C2 = 0, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग कंडीशन के लिए, यानी कि फर्स्ट इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग कंडीशन में क्या होता है आपका, ऑलरेडी बताया गया है कि जो A1 होता है, ये ऑलरेडी A1 / A2 इज नॉट, यानी कि डज नॉट, इसे पढ़ते हैं इज नॉट, या फिर डज नॉट B1 / B2। A1 और A2 का जो सॉल्यूशन आएगा दोस्तों, वो B1 और B2 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा, तब हम इंटरसेक्टिंग कंडीशन जान सकते हैं। और ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग कंडीशन जान भी सकते हैं, क्योंकि उसका मान ही रख दिया जाता है, उसका मान हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, उससे हमें पता लग जाता है। ये तो फर्स्ट के लिए हो गया, अब इसी पे हम कंडीशन डालेंगे क्या सेकंड के लिए, उसी से हम इक्वेशन की क्या करेंगे, पहचान कर लेंगे। अब सेकंड आपका आ जाता है पैरालेल कंडीशन। पैरेलल कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, A1 / B1 = तो B1 / B2, अभी तो जस्ट था A1 A2 / B1 B2, तो A1 A2 का मान जो था इज नॉट इक्वल टू B1 B2, वो उससे आपस में रिलेटेड नहीं थे, बट पैरेलल में क्या होता है, दोनों रिलेटेड हो जाते हैं, बट आपके जो C1 और C2 होंगे ये इसके बराबर, A2 का मान B1 B2 के इक्वल आएगा, बट C1 / C2 इक्वल नहीं आने वाला है। अब थर्ड में क्या होता है, ऑलरेडी आपको ग्राफ निकालना ही पड़ेगा दोस्तों, लेकिन ग्राफ निकालेंगे, बार बार ग्राफ नहीं निकालना पड़ेगा, सिर्फ एक बार ग्राफ आप निकाल लिए, उसी को पॉइंट्स को लेकर के हम क्या कर, जिस जिस बिंदु पर वो काटता है, प्रतिच्छेदित करता है, उसको हम लेकर इंटरसेक्ट करता है, वही लेकर के हम ऑलरेडी इसमें पुट कर देंगे। थर्ड आपका क्या आता है, को यहाँ पे स्लैश नहीं रहेगा, इंसिडेंट कंडीशन। को इंसिडेंट कंडीशन के लिए क्या होता है, इसमें तो A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं है, इसमें B1 B2 के इक्वल A1 A2 हो जाता है, बट C1 C2 के इक्वल नहीं होता। इसमें क्या होता है, A1 / A2 = B1 / B2 = C1 / C2, ऑलरेडी ये तीनों का मान जब इक्वल आ जाता है तो हम जान जाते हैं को इंसिडेंट कंडीशन है। तो आई गेस बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों, गुड बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ यही लेकर के, 3.2 का अभी तो जस्ट इंट्रो चल रहा था, आप रिलेशन बिटवीन आप तीनों मेथड के पढ़ लिए, इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड को इंसिडेंट क्या होता है इसको जान लिए, परख लिए, अब इसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट लेक्चर 3.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन मिलने वाला है। गुड बाय दोस्तों, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए, बोर्ड है, हार्ड वर्किंग करिए।